बड़ी एनजीओ खुली हैं हिंदुस्तान के अंदर। मुझे बताइए शहीदों के लिए किसी ने वो एनजीओ खोली ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये जो आज हमारे हिंदुस्तान के शहीद परिवार को उनकी मदद होती बच्चों के लिए, ये भी हमने संघर्ष किया कारगिल के युद्ध के अंदर। एक एनएसजी का मेरा जवान था, जब वो फौज में चला गया उसकी शहादत हुई, गया कहते एक बॉडी और आई है, हम वहां गए हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, एक पिता थे जिसका बेटा शहीद हुआ। मैं कहा हम आपके लिए क्या कर सकते, कहते ये दो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे के बेटे, ये मैं फौज में कराना चाहता हूं। मैं कहा बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूं। मैं कहा सरकार ने कुछ मदद की, कहते हरियाणा सरकार ने 5,000 रूपया एसडीएम लकड़ों के संस्कार के लिए दे गया और 70,000 का ऐलान किया, लाश की कीमत 70,000 और 5,000 लकड़ों का। मैं वापस आया, मैंने अपने दोस्तों से मीटिंग की, जितने भी उस वक्त मेरे एनसीआर में आस पास दिल्ली के थे, जितनी बेचारों की बॉडी आई थी परिवारों को बुलाया, पर फैमिली सरकार 70,000, कोई 1,00,000, 5,00,000, लाश की कीमत नहीं लगाई हमने, हमने सरकारों को, हिंदुस्तान की सरकारों को जगाया, अरे इनकी लाखों की कीमत मत लगाओ, इनको शहादतों को सल्यूट करो, पर फैमिली 5,00,000 दिया। मीडिया ने इतना उठाया कि दुनिया से लोग खड़े हो गए, सरकार खड़ी होगी। उसके बाद इनको पेट्रोल पंप और इनको नौकरियां मिली, और उसके बाद जब पार्लियामेंट में हमला हुआ, जवानों ने अपनी शहादत को पूछने वाला नहीं। 2 साल बीत गए, दिल्ली विज्ञान भवन में जहां राष्ट्रपति अवार्ड मिलते वहीं फंक्शन किया, उपराष्ट्रपति जी को बुलाया, को पॉलिटिशियन नहीं बुलाया, जगजीत सिंह अरोड़ा बुलाए जो 72 जंग के हीरो थे, पर फैमिली जब 5,00,000 दिए, एक अब्दुल हमीद जिसने 65 की जंग में अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, टेलीविजन के अंदर एक कार्यक्रम आया कि उसकी वाइफ को पूछ नहीं रहा। मैं कहा उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, अपने लोगों को भेजा गाजीपुर के अंदर, वाराणसी से उसकी पत्नी को लेके आए, चल नहीं सकती थी, उसका भी हमने फाइनेंशियल जब मदद किया, पूरी मीडिया ने उठाया, उसके बाद सबको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां मिली, और आज सिलसिला जारी है। जो भी जवान शहीद होता है, सरकारों की ऐसी आंखें खोली हिंदुस्तान के अंदर, कोई 1 करोड़ देता है, कोई 50,00,000 देता है, कोई और फाइनेंशियली मदद करता है, ये सब मीडिया की देन है, मीडिया ने इतना उठाया। क्या हम एनजीओ के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या ये भी रास्ता अपनाएंगे कि जो जवान हमारे शुरू से शहीद हो गए, जिनके परिवारों को आज तक पूछना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई गांव में दिखे हैं, जिनके गांव ही शहादतों के गांव हैं, ये उनके जहां कुर्बानियां दी हुई है, को फौज में को पुलिस में, एक ही गांव में रहते हैं, उनके घरों में तो कोई जाए, ये पॉलिटिकल पार्टियां जाए, उनके बच्चों को देखें, उनके परिवारों को देखें, उनकी हालत क्या है, क्या पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता। तो फिर बातें करके कितनी देर तक हम इस काम को चलाते रहेंगे? तो ऐसे देश चलेगा? ऐसे लोग ऐसी स्टेटमेंट देंगे? पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे बोलेंगी? पाकिस्तान हंसता होगा जब हम टेलीविजन के अंदर बहस करते हैं, हंसता है वो हमारे पे, जवानों को शहीद कर दिया और ये राजनीतिक लोग तू तू मैं पे उतर आए। हमें धीरे 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 जो अपने इतिहास हैं पुराने, कुर्बानियां शहादतों हैं, उनको याद रखना है। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत का जाम पी लिया, 23 साल की उम्र, जब पार्लियामेंट में बम फेंकते, बम इसलिए नहीं फेंकते किसी को मारने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने के लिए कि देश को, भारत माता को आजाद कराना है, और जब 14 नंबर कोठरी पे जाते, लाहौर जेल के अंदर उनके दोस्त मिलने आते हैं, वो नौजवानों के जज्बे देखिए, कहते तेरी शादी कब होगी, तो भगत सिंह हंसते हंसते कहते अगर इस भारत की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, जो शहीद हो चुके मेरे दोस्त वो मेरे बराती होंगे। वो था भगत सिंह, वो था योद्धा। और जब कोर्ट के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को ले जाया जाता है, तो भगत सिंह जी जोर जोर से हंसते हैं। जज साहब कहते भगत सिंह जहां हंस नहीं सकते, ये कोर्ट है, कहता जज साहब
जब फांसी के रस्ते को चूमने के लिए वंदे मातरम भारत माँ की जय बोलते हुए जाएंगे, क्या उस दिन भी आप हमारी हंसी रोकोगे? वो था भगत सिंह, और वो भगत सिंह जब फांसी के फंदे को चढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ उनको मिलने आती है। वो नौजवान स्टूडेंट आंखों में आंसू, कहती भगत सिंह तू रो पड़ा? मैं क्या कहूंगी, मेरा भगत सिंह इतना योद्धा, मौत को देख के रो पड़ा? पर भगत सिंह कहने लगा, नहीं मां, मुझे पता मैं जा रहा हूं। एक तस्वीर नजर आती है, मुझे नहीं पता भगत सिंह भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता था, वो आम आदमी नहीं था। 23 साल की उम्र में पता नहीं क्या क्या किताबें लिख डाली। उम्र छोटी, इतिहास लंबा, हम दुनिया से चले जाएंगे, इतिहास लिखता रहेगा। वो था भगत सिंह। और मां को कहने लगा, ये अंग्रेज बोले अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां आज अगर उनकी रूह देखती होगी, ऐसे लोगों को देख के रोती होगी, तड़पती होगी, जिनके लिए भारत आजाद कराया था। बिस्मिल्लाह खां ने क्या कहा फांसी के वक्त? भगत सिंह के साथी उन्होंने आखिरी बार पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? बिस्मिल्लाह खां हंस के कहने लगे, कहते हमारे धर्म के अंदर दोबारा जन्म नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रोविजन हो भगवान के चरणों में तो मैं बार बार इस भारत माता में जन्म लूं और भारत भारत माता के लिए बार बार फांसी के रस्ते को चूमूं और भारत के लिए शहीद हो जाऊं। ये बिस्मिल्लाह खां ने कहा था।